हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 13th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूलर रेशियो के बारे में। मॉड्यूलर रेशियो होती क्या है और आरसीसी डिजाइन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस सभी के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बिना जो है आप आरसीसी के न्यूमेरिकल जो है वो डिजाइन नहीं कर पाओगे, वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है आरसीसी डिजाइन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। मॉड्यूलर रेशो, मॉड्यूलर रेशो हमारे आरसीसी न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ होने वाली है। इसका फॉर्मूला काफ़ी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा आगे आने वाले जो भी न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से जो है डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू द मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट। जो मॉड्यूलस ऑफ स्टील और मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट का जो रेशियो होता है उसे ही हम कहते हैं मॉड्यूलर रेशियो। जहाँ पर मॉड्यूलस है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज़ डिनोटेड बाई द लेटर एम। इसे हम जो है स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, जे इसका सिंबल या फिर साइन आप कह सकते हो। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्मॉल एम यानी कि मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल टू ई एस बाई ई सी। तो ई एस इसमें क्या होता है, मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और ई सी है हमारे पास मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। द मॉड्यूलर रेशियो इज़ नॉट कॉन्स्टेंट फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। हमारे पास अलग अलग ग्रेड होते हैं कंक्रीट के, जैसे M15, M20, M25। तो हर ग्रेड के लिए जो है मॉड्यूलर रेशियो सेम नहीं होती है। इट वेरी विद द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जब हम जो है कंक्रीट का ग्रेड चेंज कर लेंगे तो उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी चेंज होगी, जिसकी वजह से हमारा मॉड्यूलर रेशियो भी चेंज हो जाएगा। ई सी बाई ई सी इज़ जनरली नॉट यूज टू कैलकुलेट मॉड्यूलर रेशियो। इसलिए हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को जो है मॉड्यूलर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं फॉर द रेनफोर्समेंट कंक्रीट डिज़ाइन। इसके डिज़ाइन के लिए जाने के आरसीसी डिज़ाइन में अभी ये फॉर्मूला जो है जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है एक कॉन्स्टेंट मानकर चलते हैं वैल्यू कंक्रीट की। लेकिन हमारे पास अलग अलग ग्रेड होते हैं तो हमारे पास अलग अलग मॉड्यूलर रेशियो आती है। तो ये हमारा फॉर्मूला जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है इस कारण। एज़ पर द कोड IS 456/2000 के अकॉर्डिंगली द मॉड्यूलर रेशियो एम शैल बी टेकन एज। इसके अकॉर्डिंगली हमारी मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू 280/3 σ cbc। इसका फॉर्मूला जी है। इस फॉर्मूले से हम जो है मॉड्यूलर रेशियो को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर दी आरसीसी डिज़ाइन। इसमें सिग्मा सीबीसी क्या है, सिग्मा सीबीसी है हमारा परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग। बेंडिंग में हमारे कंक्रीट में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसे हम जो है यहाँ पर सिग्मा सीबीसी कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर उसकी वैल्यू हम भरकर मॉड्यूलर रेशियो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि आप सिग्मा सी बी सी की वैल्यू जो कहाँ पर से ढूंढ सकते हो। सिग्मा सी की वैल्यू आप जो है टेबल नंबर 21 परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इस टेबल से फाइंड कर सकते हैं। ये टेबल आपको है IS कोड 456/2000 में पेज नंबर 81 पर मिल जाएगा। J21 टेबल पर आप देख सकते हो इस वैल्यूज़ को, जहाँ पर आपको अलग अलग ग्रेड दिए गए हैं कंक्रीट के, उसके परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं। आपको कौन सा परमिसिबल स्ट्रेस चूज़ करना है, मैंने आपको बताया था कि सिग्मा सी बी सी का मतलब होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन बेंडिंग। जहाँ पर देख सकते हो आप लिखा है सिग्मा सी बी सी, आपको इस वैल्यू को जो है कैलकुलेट करना है लेकर। जैसे मैं आपको कहूँ कि मॉड्यूलर रेशियो आप फाइंड करिए M15 के लिए, तो आप जहाँ पर बेंडिंग वाले में जाकर सेक्शन में जहाँ सिग्मा सी बी सी है M15 के लिए, जहाँ पर 5 वैल्यू जहाँ पर टेक करके तो उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं मॉड्यूलर रेशियो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भरकर। और जब भी हम जो है एक मॉड्यूलर रेशियो निकालते हैं तो वहाँ पर हम जो है राउंडिंग ऑफ, नो राउंडिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ एम इज परमिटेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कहता है हम जो भी मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसे हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वैल्यू आती है 13.333, तो आप क्या करोगे 13.34 लिख दोगे लास्ट में। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करते, मॉड्यूलर रेशियो में जो रिस्ट्रिक्टेड होता है, अगर आपकी वैल्यू 13.333 आ रही है तो आपको 13.33 यानी कि 3 डिजिट तक आप उसे ले सकते हो, लेकिन आपको उसे राउंड ऑफ नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी आरसीसी डिजाइन के प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो।
नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय।